नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दैनिक राशिफल सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। अप्रैल सोमवार का दिन है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्त तिथि और नक्षत्र है। आद्रा अतिगंड नामक योग बन रहा अजीत मुहूर्त है। सुबह से दोपहर तक राहुकाल का समय, शाम 4 बजे से शाम 6 तक। राहुकाल के समय में कोई भी नया और सुकार्य ना करे, विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज काम में व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में बदलाव के योग हैं। और दूसरा, गुरु सूर्य आज धार्मिक अनुष्ठान में दान पुण्य का अवसर देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ के योग बने हुए हैं। आईटी बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं तो जॉब में परिवर्तन का प्रयास करते नजर आएंगे। और इस समय थोड़ी मेहनत है तब बड़ी सफलता है। लंबी यात्रा के योग हैं। यात्रा सुखद है। अगर आप नौकरी के लिए परेशान थे, आज इच्छित परिणाम मिल सकते हैं, चाहे नौकरी के योग हैं। जो व्यापारी भाई हैं, दिन बढ़िया चल रहा है, उन्नति के योग बने हुए हैं। जो विद्यार्थी हैं, टीचर का सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में आनंद आएगा। और व्यवसायी भाई, हल्की फुल्की मंदी दिख रही है तो बड़ा टेंशन ना ले। हालांकि लव रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा और आज महत्वपूर्ण बदलाव रिश्ते में आएंगे। पॉजिटिव प्रोफेशनल लाइफ में भी आज खड़ी मेहनत का फल है। लंबे समय से अटका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति के योग हैं। यात्रा के योग हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, आज के दिन रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य से कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। काम की तलाश कर रहे हैं, अच्छी नौकरी के योग हैं। वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं थीं उससे राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपनी योजनाओं को बनाते समय थोड़ा और मेहनत करें। पारिवारिक जीवन बढ़िया है और आज बच्चों के साथ आप कहीं मस्ती के मूड में रहेंगे, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। भाई बहन का भी आपको सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी में आप कोई भी काम मत कीजिए, नहीं तो समस्या होगी। पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखें। नौकरी करते हैं, बड़े पद की प्राप्ति होगी, कोई उपलब्धि मिलेगी और मन की बात कहने का अपनों को मौका मिलेगा। हालांकि जो विद्यार्थी हैं, बौद्धिक मानसिक बोध से छुटकारा प्राप्त होता भी दिख रहा है। अब देखिए, इसमें धन प्राप्ति के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो उत्तम है। नौकरी करते हैं तो किसी भी काम को लेकर ज़्यादा उत्साहित मत होएगा। धीरे धीरे स्थिरता से करें, नहीं तो हो सकता है एक बार एक ही काम को दोबारा करना पड़े। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें और पानी खूब पीजिए। जो व्यापारी भाई हैं, लोहे का हार्डवेयर का काम करते हैं, उनको आज ज़्यादा मुनाफा होगा। शनि से संबंधित क्षेत्र से और बिगड़े कार्य भी बनते नजर आएंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपके लिए बढ़िया वक्त है। परिवार में भी सुख शांति संतुष्टि है। अंत में, आज राजनीतिक क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। आज अचानक से कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े तब आप परेशानी में पड़ जाएंगे। हालांकि विरोधियों के सड़न से भी बचिए, क्योंकि कुछ शत्रु विरोधी हैं जो लगातार आपको परेशान करने के फिराक में है। शुभ रंग गुलाबी भाग्य साथ निभाएगा। प्रभाग्य अंक साथ है तो धन तो आएगा, लेकिन शत्रु विरोधी से सावधान रहना है और कोई भी ऐसा वैसा कदम ना उठाए कि मुश्किलें बढ़े। लव के साथ जब आप होते फूलों को देकर या फूल देकर प्रेम का इजहार करें। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे जो आपकी प्रतिष्ठा को लगातार हानि पहुंचा रहे हैं, जो आपको खटक रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे लाइव से। मैच कर तो लाइक कर, सब्सक्राइब।